चलिए ना कुमकुम भाग्य में। रणबीर की बेटी पूर्वी की आज मेहंदी है। अब किसी जमाने में ये लोग बहुत पैसे वाले हुआ करते थे, लेकिन आज इनकी हालत कुछ खास ठीक नहीं है। बेटी की शादी सर पर है, ऐसे में सजावट भी करना है, लड़के वालों को ये भी दिखाना है कि हम एक बेटी की शादी कर सकते हैं। अब इस बात पर हम इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि पूर्वी के ससुराल वाले ना लालची है एक नंबर के। उन्हें लड़की से कोई मतलब नहीं है, लड़की की शादी में सजावट कैसे हुई है, खाने पीने में कोई कमी तो नहीं है, इनका ध्यान बस एसी पर है। अरे वाह, कितना बड़ा है और बिना देखा कितना सुंदर भी है। हाँ माँ जी, हमारे इकलौते बेटे की शादी हो रही है, सब कुछ तो अव्वल नंबर होना ही है ना। मैंने डेकोरेशन करवाया और मेरे दिमाग में ये था कि मुझे एक अच्छे इंसान की तरह लोगों की हेल्प करनी है, जो मैंने की। वही राजवंश ने इस पूरे डेकोरेशन की जिम्मेदारी ली है। इस सजावट को देखकर तो लड़के वाले बहुत खुश हुए हैं, लेकिन प्राची को अब समझ में आ गया है कि उसका होने वाला ससुराल एक लालची परिवार है, तो ऐसे में अपने ही मेहंदी के फंक्शन में वो कश्मकश में डूबी हुई है। ये शादी करे या ना करे, अब ये कश्मकश ही आप सबके सवाल का जवाब देगा। हाँ, बिकॉज़ आई थिंक आशुतोष की फैमिली कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है, इतना महंगा हमने बैंक्वेट बुक किया आरवी की वजह से, तो दे आर सो एक्साइटेड अबाउट इट। तो बस ये सब हो रहा है, उनकी तरफ से दिखावा ज़्यादा हो रहा है। मुझे कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है यार कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आशुतोष शायद पूर्वी के लिए सही नहीं है, पर पूर्वी को अच्छा लगता है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, और जहाँ पूर्वी की खुशी है वहाँ राजवंश की भी खुशी है। ये शादी किसी भी कीमत पर आशुतोष से तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी के हाथों में राजवंश के नाम की मेहंदी सजेगी, और जब मेहंदी राजवंश की सजेगी तो भला दूल्हा आशुतोष कैसे बन सकता है ना। वो तो वक्त ही बताएगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कुमकुम भाग्य। फाइनली शादी हो रही है, बट पूर्वी खुद से ही क्वेश्चन कर रही है कि आशुतोष उसके लिए ठीक है या नहीं। लाइक इनिशियली उसे ये सब फील नहीं हो रहा था, बिकॉज अरेंज मैरिज फैमिली ने लड़का चूज किया है और वो उतनी चूजी नहीं है, बट आफ्टर यू नो आशुतोष का बिहेवियर देख के, उसकी फैमिली का बिहेवियर देख के अभी उसे थोड़ा ऐसा खटक रहा है, तो बस ये सब है। अब पूरी कहानी देखने के लिए आपको हर दिन इस सीरियल देखना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन वाली कहानी नहीं रहेगी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।